पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जब हर बराबर होता है तो हम भिन्न को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा था कि उसमें हर बराबर रहता था। अब आज मैं इस वीडियो में ये पढ़ाने वाली हूँ कि जब हर बराबर नहीं हो तब हम किस तरह से भिन्न को जोड़ते हैं और घटाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे सवाल दिया गया है 5/4 प्लस 3/2। अब देखिए यहाँ पर हर बराबर नहीं है और बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो जब हर बराबर नहीं होता है तो इस सवाल को लगाने के तीन तरीके होते हैं। मैं आप लोगों को तीनों तरीके बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहला तरीका होता है कि इनके हर को बराबर कर लिया जाए। उसके लिए आपको सोचना होगा कि हम किसका गुणा कर दें कि इनका हर बराबर हो जाए। इसके लिए आप देखिए, यहाँ फोर है, यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ पर 4 में 1 का गुणा कर दें तो 4 रह जाएगा, और अगर हम 2 में 2 का गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर को बराबर कर सकते हैं। तो ऐसे हम करेंगे 5/4, जो पहला फ्रैक्शन है पहले फ्रैक्शन को नोट करेंगे, और उसके बाद इसमें हम इसको 4 के बराबर हमको लाना है, क्योंकि 4 ही ऐसा अंक है जो दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पर हम 1 का गुणा करेंगे, और जैसा कि आप लोग फ्रैक्शन में जानते होंगे कि अगर किसी नंबर का गुणा हम फ्रैक्शन में करते हैं तो हमको अंश और हर दोनों में समान अंक से ही गुणा करना पड़ता है, हम अलग अलग अंक नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा अगर हम हर में कर रहे हैं तो अंश में भी हमको 1 का ही करना है। अब हम यहाँ देखेंगे प्लस लगा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस। अब हम दूसरे फ्रैक्शन को नोट करेंगे, और उसके बाद अब हमको ये सोचना है कि 2 में हम किसका गुणा कर दें कि इसके हर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से हम 2 का गुणा करेंगे। हर में कर रहे हैं तो हमको अंश में करना ही पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब देखिए हम इनका आपस में इसको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से 5 का गुणा हम 1 में करें, जब बीच में गुणा होता है तो हम ऊपर अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं और हर का हर में गुणा कर लेते हैं। तो 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 5 × 5 और 4 × 4 प्लस है, प्लस लगाएंगे। 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4। अब देखिए हर बराबर हो चुका है। जब हर बराबर होता है तो हम इसको केवल हम एक बार लिखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया भी है जब हर बराबर होता है तो सवाल कैसे लगाते हैं। और जो अंश होता है अगर प्लस है तो जोड़ लेंगे, अगर माइनस है तो घटा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो हम इनको जोड़ देंगे। तो 5 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा 11 × 4। इस तरह से आपका सवाल लग जाएगा। ये है पहला तरीका। अब चलिए मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताती हूँ कि जब हर बराबर ना हो तो सवाल कैसे लगाते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यही सवाल है 5/4 प्लस 3/2। अब इसको लगाने का एक तरीका होता है एलसीएम निकाल करके। हम हर का एलसीएम निकालते हैं, तो अगर हम 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो देखिए कितना आएगा 4 × 2। इसका एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए हमको ऐसी संख्या लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 से अगर हम करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। अब फिर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। इस तरह से हमको यहाँ पर 2 × 2 = 4 मिल रहा है, और इस तरह से इनका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 4। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 4। एलसीएम जितना आएगा उसको हम एक लंबी सी लाइन खींच करके हम नीचे लिखेंगे एलसीएम जितना आएगा। अब उसके बाद हम पहले फ्रैक्शन के हर से, जो पहला फ्रैक्शन है उसके हर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम 4 से 4 को डिवाइड करते तो हमारा आंसर आता है 1। अब 1 का जो 1 आया है उस 1 का मल्टीप्लाई इसके हम अंश में करेंगे, जिसके हर से डिवाइड कर रहे हैं उसी के अंश में हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में 1 का हम गुणा कर देंगे। इस तरह से 5 × 5 हो जाएगा। अब देखिए पहला फ्रैक्शन सॉल्व हो चुका है, अब हम दूसरा फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम फिर यहाँ पर देखेंगे कौन सा निशान लगा है प्लस, तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस। अब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे। आपको बारी बारी से जितने भी फ्रैक्शन आएंगे उनसे डिवाइड करना होगा। हमेशा हर से डिवाइड किया जाएगा और जितना आंसर आएगा उसका हम उसके अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप इस तरह से करके देख भी सकते हैं, 2 बार जाएगा और इस तरह से देखिए 2 आंसर आया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके अंश से हम करेंगे। तो 2 × 3 = 6, हम यहाँ लिखेंगे 6। अब हम इनको जोड़ लेंगे आपस में, तो 5 और 6 = 11 × 4।
4। इस तरह से भी हम सवाल कर सकते हैं, ये एलसीएम से निकालने वाली विधि है। अब देखिए तीसरा तरीका कैसे लगेगा। तीसरा तरीका बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसमें अगर डबल फ्रैक्शन रहेगा तभी करना आसान होगा। दो से अगर ज़्यादा फ्रैक्शन हो जाएंगे तो थोड़ा करने में दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम दो का ही बता रहे हैं। दो का देखिए, इसको करने के लिए आपको एक फिगर याद रखना होगा कि इसका हर जो है, जो दूसरे फ्रैक्शन का हर है, दूसरे फ्रैक्शन के हर से पहले फ्रैक्शन के अंश में हम गुणा करेंगे। इस तरह से इसका गुणा इसके साथ, तो 2 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो 2 × 5 = 10। अब उसके बाद देखिए प्लस लगा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस। अब पहले फ्रैक्शन के हर से दूसरे फ्रैक्शन के अंश में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 = 12, हम यहाँ पर लिखेंगे 12। अब उसके बाद इन दोनों का यानी कि हर का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 2 = 8। इस तरह से आप इस तरह से फिगर भी याद रख सकते हैं, ऐसे ऐसे इसका फिगर बन सकता है। अब देखिए, अब इनको हम जोड़ लेंगे, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 × 8। अब देखिए यहाँ पर, अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर 11/4 आ रहा है, यहाँ पर 22/8 आ रहा है, तो हम इसका लोवेस्ट टर्म निकालेंगे, मतलब निम्नतम रूप, ऐसा नंबर खोजेंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे, अंश और हर दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोनों इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2। अब देखिए यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 11/4। इस तरह से मैंने आप लोगों को 3 विधियाँ बताई है। अब 3 विधियों में जो भी आपको आसान लगता है उसको आप कर सकते हैं।